हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम टुगेदर फॉरएवर का पार्ट 7 शुरू करते हैं। वांग जी और वे वुशियान की पिछली रात काफ़ी हॉट और रोमांटिक बीती थी, पर वांग जी ने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि अगले पल में क्या होने वाला है। अगले दिन जब वांग जी की आँख खुली और उसने बेड पर अपना हाथ फेरा तो वेंग उसे कहीं भी नहीं दिखा। वो परेशान हो गया। ये महसूस होते ही वांग जी हड़बड़ा कर बेड से उठ गया। उसे जल्दी से अपने कपड़े पहने और जिंगशी में वेंग को ढूंढने लगा। वांग जी का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। वो सोचता है कि वेंग उससे बिना बताए कहाँ चला गया। क्या वो उससे किसी बात से नाराज़ है? क्या वांग जी ने कल उससे कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था? कहाँ गया आखिरकार वे वुशियान? वो वेंग को बहुत ढूंढता है पर वेंग उसे कहीं भी नहीं मिला। तभी वांग जी की उस चोट पर दर्द होने लगता है जिससे वो चौंक जाता है और सोचता है क्या वेंग को कुछ हो गया है? ऐसे तो ये चोट मेरी दर्द नहीं होती है, क्या हुआ है उसे? तभी उसने कहा, नहीं, वेंग को कुछ नहीं हुआ होगा, वेंग तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पर उसने खुद को समझाया और कहा, वांग जी तुम कितना ज़्यादा सोच रहे हो, वो अभी अपने सिस्टर और ब्रदर के साथ होगा। ये सोचकर वांग जी के दिल में थोड़ा सा सुकून हुआ। कुछ टाइम बाद वांग जी तैयार होकर मीटिंग हॉल के लिए निकल गया। आज काफ़ी टाइम बाद वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल थी, उसको ज़िंदगी में खुश रहने की वजह जो मिल गई थी वे वुशियान। वो मीटिंग हॉल में पहुँचने वाला था कि तभी एक स्टूडेंट की चिल्लाने की आवाज़ आई। ये देख कर वांग जी और बाकी के सारे लोग चौंक गए। जंगचा, जिया गैनली, निया वैसांग, शिचन सभी वहाँ पर मौजूद थे। जिया गैनली बोली, आशंक कल रात से आशंक घर वापस नहीं आया है, मेरा मन बहुत अजीब हो रहा है। ये सुनकर जंगचा बोला, शिजे आ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, और कल तो आप जानती हैं उसका मूड ख़राब था। आप तो जानते हो ना अच्छे से कि वो हमेशा अपने मन की ही करता रहता है, कभी किसी की नहीं सुनता है। पर ये सारी बातें होने पर भी न जाने क्यों यानली के दिल में एक अनजाना सा डर सताया हुआ था। शिचन, वांग जी और बाकी के सारे स्टूडेंट्स उसी डायरेक्शन में गए थे जिधर से वो शोर आया था। जब वो उस जगह पर पहुंचे तो सब वहां का हाल देखकर चौंक गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्लाउड रिसर्च में ये हुआ है। लान क्लैन का एक स्टूडेंट ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वांग जी जल्दी से दौड़ता है और भाग कर उस स्टूडेंट को उठा लिया। वो स्टूडेंट बहुत ही बुरी हालत में था, उसके शरीर से खून बह रहा था। वांग जी कहता है, किसने किया है तुम्हारे साथ ये ऐसा? उस स्टूडेंट के मुंह से बस इतना ही निकला, वे वुशियान, और फिर वो मर गया। वांग जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उस स्टूडेंट को झकझोरता कहता है, अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ पूरी बात बताओ। वे वुशियान? क्या वे वुशियान? जिया गैनली को तो चक्कर आ गया था ये सुनकर। तभी जेंगचा बोला, शिजे ये वेंग ने क्या कर दिया? मैं जानता था कि वो हमेशा अपनी मनमर्जी करता है, किसी की बात नहीं मानता है चाहे कोई उसे कितना भी कहे, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो किसी का मर्डर कर देगा, किसी की जान ले लेगा। शिचन वांग जी के नज़दीक जाता है और कहता है, वांग जी आई थिंक हमें इस स्टूडेंट की बॉडी को क्रीमेट कर देना चाहिए, मतलब कि अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। तभी उसने देखा वांग जी की आंखें नम थीं। वांग जी बोला, मुझे वेंग पर यकीन है, वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। शिचन समझ गया था कि वांग जी और वेंग के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है। उसने कहा, वांग जी आई नो, पर अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तभी वहाँ लान शिरेन पहुँचता है। उसे देखते ही शिचन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे भी अपने साथ खड़ा किया। लान शिरेन बहुत ही गुस्से में था और बोला, ये सब क्या हो रहा है, और वो भी हमारे क्लाउड रिसर्च में, किसकी इतनी हिम्मत हुई ये सब करने की? तभी एक डिसिपल बोला, मास्टर ये काम उस वे वुशियान का है। वेंग का नाम सुनते ही लान शिरेन का गुस्सा और भड़क गया और वो बोला, क्या कहा, ये सब उस वे वुशियान ने किया है? मुझे तो पहले ही दिन से उसकी हरकतें ठीक नहीं लगती थी और उससे मुझे एक नेगेटिव वाइब आती थी। तभी वांग जी बोलता है, अंकल अभी हमारे पास सारे सबूत नहीं हैं, हो सकता है कि हमें अभी पूरी बात ही ना पता चली हो, तो हम वेंग को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? ये सुनते ही शिचन वांग जी का हाथ पकड़ता है और धीरे से कहता है, वांग जी अंकल अभी इतने गुस्से में हैं और तुम
कैसे ये सब कह सकते हो उनसे। लाश रैन वांग जी की ओर घूरता है पर वो आगे कुछ नहीं बोलता। वो इतना ज़रूर कहता है कि शिचन और वांग जी मुझसे बाद में मिलो आ करके। फिर वो ऑर्डर देता है कि उस स्टूडेंट का सही ढंग से क्रीमेशन कर दिया जाए और वे वुशियांग से रिलेटेड जियांग फैमिली मेम्बर्स का क्या करना है इसका फैसला हम कल करेंगे। ये कहकर लाश रैन वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जियांग एली और जियांग जा जल्दी से वांग जी और शिचन के पास पहुँचते हैं। निवेसांग भी वहाँ पर था। जियांग एली रोते रोते कहती है, मेरा आशियान निर्दोष है, वो ये कभी नहीं कर सकता है, उसने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। प्लीज़ सीनियर लान शिचन, प्लीज़ लान वांग जी, आप मेरे आशियान को गलत मत समझिए। भले ही वो शरारत करता है, अपनी मनमर्जी चलाता है, पर वो दिल का बुरा नहीं है, वो कभी किसी की जान नहीं ले सकता है। ये कहते कहते जियांग एली ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर जियांग चे तुरंत उसे किसी तरह से उठाता है और समझाता है। तभी वांग जी जियांग एली के पास जाता है और कहता है, मिस जियांग, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सच का पता लगा कर रहूँगा। मुझे यकीन है कि वे वुशियांग निर्दोष है, उसे किसी ने फंसाया है अपने फ़ायदे के लिए। शिचन ने कहा, वांग जी तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या कह रहे हो, अगर अंकल तक ये सब बात चली गई तो वो क्या कहेंगे, तुम एक मर्डरर का सपोर्ट कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी अपने बड़े भाई की ओर मुड़ा और बोला, का मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। उसे चुपचाप ज़मीन पर गिरा वो ब्रेसलेट उठा लिया था जो वेंग का था। रात का टाइम था, वांग जी अपने जिंगशी में लेटा हुआ था। वो वेंग के उस रिबन को अपने सीने से लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है, वेंग तुमने मुझे मुस्कुराने की वजह दी थी पर तुम अचानक से मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मैं तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स भी सही से नहीं बता पाया और ना ही तो अपने प्यार का इजहार कर पाया। वांग जी कहता है, वेंग मुझे यकीन है कि तुमने ये सब नहीं किया है, मेरा दिल कहता है। तभी उसे वेंग की वो बात याद आ जाती है जब पिछली रात उसने कहा था कि अगर किसी दिन पूरी दुनिया और सारे लोग वेंग के ख़िलाफ़ हो जाएंगे तो भी क्या वांग जी उसका साथ देगा। ये याद आते ही वांग जी के आंसू और ज़्यादा बहने लगते हैं। वो रोते रोते कहता है, वेंग तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्यों तुमने मुझे नींद से नहीं जगाया, क्या इतना ही तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा था, क्या यही तुम्हारा प्यार था, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया भी था। वेंग तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो फिर क्या हुआ, तुम मुझसे अपनी परेशानियां भी नहीं बता सके, तुम्हारे दिल में क्या कुछ चल रहा था। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे शरीर पर जो निशान है किस वजह से, पर तुमने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्या रीज़न था। मैं मेरा तुम्हारा हस्बैंड होने का क्या फ़ायदा जब मैं अपने पार्टनर की केयर नहीं कर सकता, उसकी तकलीफ़ें नहीं बांट सकता। वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे बीती रात अपने और वेंग के बीच जो प्यार भरे पल थे, जो वो दोनों इंटीमेट हुए थे, जिन्होंने प्यार किया था पूरी रात एक दूसरे के साथ, वो याद आ जाता है। ये सोचते ही वांग जी अपने उस चोट पर हाथ रखता है। उस चोट में पेन हो रहा था। ये पेन तभी होता था जब भी वांग जी वेंग को याद करता था। तभी वांग जी बेड से उठकर बैठ जाता है और कहता है, वे वुशियांग चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं तुम्हें ढूंढकर ही रहूँगा। वो वेंग का वो रेड रिबन अपने हाथ पर बांध लेता है और कहता है, वेंग तुम्हारा ये रिबन मेरे हाथ में ही रहेगा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसे मेरे हाथ से निकाल सके। जब तुम मिलोगे ना तो मैं तुम्हें अपने हाथ से तुम्हारे बालों में इसे बांधूँगा। वांग जी रोते रोते कहता है, प्लीज़ प्लीज़ वेंग तुम कहाँ हो, तुम जहाँ कहीं भी हो बस सेफ रहना, मैं भी कितना बेवकूफ़ था ना, तुम्हारे प्यार को समझने में एक्सेप्ट करने में मैंने देर लगा दी। रोते रोते वांग जी को न जाने कब नींद आ गई। अगले दिन मीटिंग हॉल में सब इकट्ठा हुए। जियांग एली जियांग चा भी वहाँ पहुँच चुके थे। सबके दिल बेचैन थे, आपस में सभी बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद लाश रैन भी वहाँ पहुँच गए। उसके पहुँचते ही जो लोग आपस में बात कर रहे थे, गॉसिप्स कर रहे थे, वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लाश रैन ने पहले तो सबकी तरफ देखा, फिर बोला कि वे वुशियांग ने हमारे एक डिसिपल का मर्डर किया है। जियांग फैमिली के मेंबर्स भी उसके साथ ही यहाँ पर आए थे पढ़ने के लिए, इसी वजह से हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते और इस कारण से जियांग एली और जियांग चा को भी यहाँ से वापस आना पड़ेगा। ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आ गया और वो कुछ बोलना चाहता था क्योंकि उसे ही गलत लग रहा था, उसके अंकल गलत कर रहे थे, पर शिचन उसे रोक देता है। जियांग एली कहती है, मेरा भाई निर्दोष है, आप सब सिर्फ एक बात को सुन करके फैसला कर रहे हो,
उस डिसिपल ने पूरी बात कही नहीं, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। तभी लांशरेन गुस्से में कहता है, मैंने जो डिसीजन ले लिया है वही फाइनल है, और हाँ, वेवुशियन के बारे में जो कोई भी कोई न्यूज़ देगा उसे प्राइस दिया जाएगा। वांगजी को गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पाया। बचपन से लेकर आज तक उसने सिर्फ अपने अंकल की बात मानी। क्यों? क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब बात उसके प्यार पर थी, उस इंसान की थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, जो उसका लाइफ पार्टनर था। फाइनली जियांग एनली और जियांगजा को यनमंग वापस जाना पड़ा। वांगजी हर रोज़ वेंग के बारे में पता करने की कोशिश करता था अपने स्पिरिचुअल पावर्स से, अपने सीक्रेट एंजल्स को भेजकर, पर उसे वेंग के बारे में कोई न्यूज़ नहीं लगी, उसका कुछ भी अता पता नहीं चला। शी चैन काफ़ी दिन से वांगजी को बहुत परेशान दिख रहा था, उससे देखा नहीं गया क्योंकि वो खुद भी बहुत परेशान हो रहा था। एक दिन उसने वांगजी से पूछ ही लिया कि आखिरकार बात क्या है, वेवुशियन को लेकर वो इतना परेशान क्यों है। वांगजी जो कि पहले से ही बहुत परेशान था, और जब उसके बड़े भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और रोने लगा। ये देखते ही शिचेन ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसने कहा, वांगजी मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा ये बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, तो तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, बताओ मुझे क्या बात है। ये सुनकर वांगजी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, वेंग इनोसेंट है, मुझे पता है मेरा वेंग इनोसेंट है। शिचेन ने जैसे ही वांगजी के मुंह से मेरा वेंग सुना तो वो समझ गया। वो बोला, वांगजी मुझे पूरी बात जाननी है। वांगजी ने अपना फोरहेड रिबन पर हाथ रखा और कहा, मैंने वेंग के हाथ में इसे बांधा था, और आप तो जानते हो ना कि इसका क्या मतलब है। अब मैं वेवुशियन का हस्बैंड हूँ, पर मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पूरी दुनिया उस पर उंगली उठा रही है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चुपचाप तमाशा देख रहा हूँ। अंकल तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। क्यों, क्या हमेशा वही सही होते हैं? क्या हम कभी सही नहीं हो सकते? क्या दुनिया में और कोई सही नहीं हो सकता? वांगजी अपने भाई के कंधे पर अपना सर रख देता है और कहता है, मैं वेंग से अपनी फीलिंग्स सही से कह भी नहीं पाया। मेरा दिल जानता है कि वेंग कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आखिरकार वो है कहाँ? कहाँ है वो? ठीक तो है ना जहाँ कहीं भी है? क्या फ़ायदा हमारी लान क्लैन के इतने रूल्स रेगुलेशंस का, जब अंकल किसी की बात अपने आगे सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो फैसला कर लिया बस वही आखिरी है। शिचेन चौंक गया था वांगजी को ऐसे देखकर और उसकी ऐसी बातें सुनकर, पर वो अच्छे से जानता था कि एक बार अगर वांगजी ने कोई फैसला कर लिया तो दुनिया में कोई भी ताकत उसके फैसले से उसे पीछे नहीं हटा सकती थी। वो वांगजी को किसी तरह से शांत करता है और कहता है, वांगजी हमारे एंसेस्ट्रल हॉल में एक मैजिकल मिरर है रखा हुआ है, जिसमें हम किसी पर्सन के बारे में भी देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर है, लेकिन सिर्फ तब जब वो पर्सन चाहता हो कि हम उसे देखना चाहते हैं। ये सुनकर वेंग चौंक गया, क्योंकि पहली बार उसने इस मिरर के बारे में सुना था। किचन बोलता है, वांगजी लेकिन उस तक पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि उस रूम की रखवाली एक ड्रैगन करता है जिससे बच पाना नामुमकिन है, और अगर कोई बच भी गया तो उसे 300 स्ट्राइक्स झेलनी पड़ती हैं, बहुत, और ये किसी के बस का नहीं है। जिसने भी झेला, जिसको भी स्ट्राइक्स पड़ी हैं, वो मर गया है। सिर्फ हमारे अंकल ही वहाँ तक जा सकते हैं। वांगजी बहुत ध्यान से अपने बड़े भाई की बातें सुन रहा था। शिचेन बोला, वांगजी मैंने तुम्हें बता दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद से वहाँ पहुँच जाओ। मैं किसी तरह से अंकल से बात करूँगा, तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम अपने आप कोई फैसला मत करना। उसने कहा, वांगजी तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? वांगजी जो अपने ख्यालों में खोया हुआ था वो कहता है, हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वांगजी जानता था कि ये उसके पास आखिरी मौका है वेंग के बारे में पता लगाने का, अगर अभी उसने डिसीजन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। रात का टाइम था, वांगजी अपने बेड पर लेटा हुआ था, अपने हाथ की ओर देख रहा था जिस पर उसने वेंग के रिबन को बांधा हुआ था। वो कहता है, वेंग तुम कहाँ हो? तुम्हारे बिना मेरा एक एक दिन सालों की तरह बीत रहा है। क्यों तुम मेरे नज़दीक आए जब तुम्हें मुझसे दूर ही जाना था? तुम अच्छे से ये बात जान गए थे ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, नहीं जी सकता हूँ, फिर भी तुम चले गए। हाँ मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स को सही से नहीं बताया, लेकिन क्या तुम्हें मेरी आँखों में प्यार नहीं दिखता था? वांगजी अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहता है, वेंग देखो मैंने अपना वादा निभाया है, मैं सारी दुनिया से अपने अंकल से सबसे तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, बस तुम मुझे गलत साबित मत होने देना, मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ करके ही रहूँगा। ये सोचते ही वांगजी बेड से उठता है और एक ड्रॉअर से अपने पेरेंट्स की तस्वीर निकालता है और कहता है, मॉम डैड
जैसे आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे वैसे ही आपका ये बेटा भी वेइंग से